Why friends, we're back again. Very new episode. We are back again with this very new episode. And finally, 35th episode has been released officially. And weekend ka waar aa chuka hai. And this is the episode jo hum log itne dinon se wait kar rahe the. And again, bahut sari gand machayi gayi episodes mein. Bahut sare poll khule hain logo ke. Bahut sare replies hame dekhne ko mile hain. हमें असली सब की औकात पता चली आज के एपिसोड्स में. आई एम रेडी विद सम फैक्ट्स ऑन इट्स बेटर कि आप हेडफोन्स और रेडी कर लो. आज अपन देने वाले ब्रो, लाइक आई एम फकिंग रेडी टू, लाइक आज आई एम रेडी विद सम पॉइंट्स एंड आई मेक श्योर कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट करूं. आई वांट कि जो भी जनता हमें देख रही है, प्लीज ये चीज मेक श्योर करना कि मेक योर कैलकुलेटर्स रेडी एंड मेरे को बताना कि किस किस पॉइंट्स आप एग्री कर रहे हो, लाइक मेरे कौन कौन से पॉइंट्स आप एग्री कर रहे हो. तो चलो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो पे. रेडी विद सम फैक्ट्स ऑन, भाई सीधी बात, नो बकवास. चलो लेट्स मूव इनटू द वीडियो. चैनल सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब इन 3, 2, 1 बैंग. न्यू एपिसोड गेट स्टार्टेड. एंड अगेन लाइक स्टार्ट होते ही अगेन वो रैंट है नाउ स्टार्ट हो चुका, बिकॉज अगेन सलमान भाई आए हैं. सलमान भाई के साथ उनकी नाइस आई है बेसिकली, ही इज लाइक वो टॉन्टिंग एंड ऑल चालू हो चुका है. सलमान भाई का बींग सलमान खान बेसिकली एन एपिसोड ऑल चालू हो चुका है. एंड चालू होते ही हमें एक टास्क देखने को मिलता है विच इज बिटवीन खानजादी एंड आयशा, बिकॉज अगेन वो टाइगर्स डेन वाला सीन है जिसमें आयशा लाइक अलग एक लेवल पे दहाड़ देती है लाइक खानजादी को. वो चाहे सिर तोड़ने वाले टास्क पे हुई, फिर एक वो बॉल गिरने वाले टास्क पे, दोनों पे शी जस्ट रोर्स ओवर खानजादी एंड वन साइडेड डोमिनेशन हमें देखने को मिला. रोश में भी खानजादी ने गटर ही बोला विच डिडंट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट. एक पॉइंट सिर्फ अच्छा था उसका, उनका गेम वाला सेंस, बाकी दोनों पॉइंट्स डंब शिट थे भाई. इसलिए कहता हूं जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे. सेम हैपेंड विद खानजादी एंड अगेन आयशा क्लियरली वन एंड बॉल वर्ल्ड टास्क वाज लाइक अ फिजिकल एंड ऑल. तो या आयशा क्लियरली वन एंड अगेन मूविंग इनटू दैट टास्क. उसके संगे संगे एक और टास्क हो चुका है चालू, बिकॉज अगेन आप सबको पता है कल के दिन फिनाले एंड ऑल है, उसी रिलेटेड एक टास्क चालू हुई गई विच इज बेसिकली प्लेइंग अ क्रिकेट चालू हो गई बेसिकली. एंड अगेन बहुत अच्छे तरीके से उस लोगों ने गेम को प्रोड्यूस किया कि जितने भी आप रन स्कोर करोगे दैट समहाउ मेंटेन्स इनटू दोस किचन टाइम एंड ऑल. बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को प्लान अप किया गया. एंड अगेन मुनावर बीइंग मुनावर, साले तुम कुछ भी लेकर आ जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ. एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे हो एज अ न्यूट्रल फैन भी अगर आप देखोगे, अरे अब किसी चीज पे तो तुम लोग पीछे करो मुनावर को, किसी चीज पे तो पीछे करो उसको. कॉमेडी में वो ले जा रहा है, शायरी में भी वो ले जा रहा है, गेम में भी वो आगे चल जा रहा है, बातचीत में सलमान भाई से वन एंड वन वही कर ले रहा है भाई, क्रिकेट भी तुमसे हो नहीं पा रही. अरे तुम्हें ट्रॉफी ऐसे हवा में दे दे भाई, ले जाओ ट्रॉफी, ले जाओ ये लो ट्रॉफी, ये ट्रॉफी ले जाओ, ये ले जाओ, कुछ तो कर लो भाई, कुछ तो कर लो, कुछ तो किसी चीज पे तो हमें आगे देखने को मिले. क्रिकेट खेला हुआ मुनावर वाज द ओनली वन जिसने 2 छक्के मारे 2 1 मारा 14 मार के ही इज अ मैन ऑफ द मैच. बताओ ये तो इनका गेम प्ले चल रहा है. बताओ उसमें अभिषेक जो इतना बजते रहता है 0 रन. और अगर आप नोटिस करोगे 2 सेकंड पहले जब टीम एंड ऑल बन रही थी, ये गेम है. तो अगेन सलमान भाई जस्ट 16 रन सलमान भाई ने मारा है. 54 बेसिकली 54 मिनट्स उनको मिल गए पूरे, शायद 54 घंटे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54 घंटे बेसिकली उन्हें मिल गए पूरे एक हफ्ते के एक एक्स्ट्रा टाइम की तरफ से. दैट्स अप्रिशिएबल. एंड अगेन इस पूरे स्टेटमेंट के बीच में जब फरारे वाली टीम के सारे लाइक सारे लोग एंड ऑल आए, वी जस्ट गॉट टू नो एन स्टेटमेंट बेसिकली फ्रॉम अलीजा विच इज नाइस ऑफ सलमान भाई. एंड चारों की तरफ से बेसिकली कहा गया कि मुनावर इज वन ऑफ देयर फेवरेट्स. लाइक अगेन द किंग रूलिंग हार्ट्स मैन, द किंग रूलिंग हार्ट्स मुनावर इन. हमें कहीं ना कहीं पता है कि चर्चे मुनावर की हो रहे हैं कहीं ना कहीं. गुड टू सी कि जितने भी लोग मैं देख रहा हूं भाई सारे के सारे यही कहना भाई मुनावर इज देयर फेवरेट्स. फिर तेलगा भाई का भी अप्रिशिएशन हुआ वो दिल्ली वाली शिट. तो या दैट वाज फन. तो इन दोनों का अप्रिशिएशन हुआ लाइक देयर फेवरेट्स एंड ऑल. फिर आई एम सी स्टैन, स्टैनी अपना जान रिप्रेजेंटिंग पी टाउन बेबी. तो स्टैनी आया बहुत अच्छी तरीके से. एक होता है कि सपोर्ट करना, एक होता है कि अच्छे से सपोर्ट करना, फिर आता है कट्टर सपोर्ट करना. स्टैन जस्ट डिड दैट शिट फॉर मुनावर 3 से 4 बार. लाइक तीन बार तो मैंने खुद लिख रखी है. 3 बार सलमान भाई ने एक ही चीज पूछी कि तुम बाकी घर वालों को क्या कहना चाहोगे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, कुछ मैसेज. और सब के सब मेरे को तो मुनावर ही दिख रहा भाई, बाकी मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा. स्टैन दिल जीत गया भाई. लाइक आई वुड से मैन वन साइडेड अगर किसी ने सपोर्ट किया ना मुनावर को अभी तक लाइक स्टेज पे आके
किंग भाई ने भी की थी, एंड अगेन स्टैन भाई ने आते ही, किंग भाई ने भी सपोर्ट किया, अगेन स्टैन ने आते ही लाइक ही जस्ट प्रूव्ड कि व्हाई ही इज अ ब्रदर टू हिम मैन. क्योंकि अगेन स्टैन वाले सीन में भी दे हैड अ वीडियो कॉल, वीडियो मैसेज आया था, उसमें भी मुनावर भाई ने फुल सपोर्ट एंड ऑल की थी. तो दैट्स अ फेवर रिटर्न एंड चुम्मा भाई चुम्मा. एंड कुछ लोग तो इससे जल भी गए भाई. कुछ लोग इससे जलना भी चालू हो गए, बताओ. अब यही होता है भाई, कुछ लोग जल जाएंगे और कुछ लोग एक्चुअली में तरक्की कर लेंगे. वही सीन हो गया मुनावर के साथ और बाकियों में से कुछ लोगों के साथ. वो लोग जल के भस्म हो गए बेसिकली, एंड कुछ लोग की चर्चे हो गए बेसिकली. तो या दिस वाज द होल ट्विस्ट. फिर अगेन एक बहुत अच्छा सलमान भाई का एक टास्क आया बेसिकली, वो जो चिट्स एंड ऑल उठाते उसमें से, मजेदार टास्क था बेसिकली. मजा आया मेरे को, लाइक दैट वाज वन ऑफ दोस रिफ्रेशिंग जिसमें कोई विनिंग विनिंग नहीं है, बट हाँ मजेदार एपिसोड था. डांस हमें देखने को मिला, शायरी एंड ऑल देखने को मिला, मजा आया. दैट वाज अ ग्रेट टास्क क्रिएटेड बाय द मैन. अगेन मैंने ये जो जलने वाला शिट हुआ, कि अब हम लोग बात करने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में, कि स्टैन आया, स्टैन जस्ट अप्रिशिएट अ मुनावर फॉर हिज गेम बिकॉज अगेन वी नो कि उसका ब्रदरहुड एंड ऑल का सीन है. अनुराग इसमें भी अपना ब्लेम गेम लेकर आ गया कि वापस से मेरे ब्रो सेना को टारगेट हो रहा है, वापस से मेरा ये हो रहा है, वापस वो आरआर चालू हो गया बेसिकली, वो रैंटिंग गेम स्टार्ट हो गया. लाइक अनुराग का पता है दो गेम अभी तक डिकोड हो गया. द वेरी फर्स्ट ब्लेम बिग बॉस एंड सलमान भाई, दूसरा बिच अबाउट मुनावर. ये दो गेम है अनुराग का बस. तीसरा अभी तक अनलॉक हुआ नहीं. तीसरा वो जो पत्ते खोल रहे थे अनुराग भाई, वो जो ऐसे करके पत्ते खोल रहे थे, वो शायद खोलने से पहले वो बिक गए पत्ते पर, इसलिए पत्ते बचे नहीं भाई के पास. इज वॉट आई फील बिकॉज आई जस्ट फील सो डिसअपॉइंटेड बींग अ फैन भाई. बट हाँ इट्स अ फैक्ट कि शायद पत्ते खोलने से पहले पत्ते बिक गए भाई अनुराग भाई के, इज वॉट आई फील. क्योंकि उनके सिर्फ दो ही पत्ते हमें दिख रहे. द वेरी फर्स्ट इज ब्लेम सलमान भाई एंड बिग बॉस अबाउट ब्रोस एंड ऑल थिंग. क्योंकि अगेन मैं चाहे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी उस ब्रोसेना के जितने भी लोग हैं उनके सर नीचे कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मैं किसी के हवे में आकर बिग बॉस शो में आ गया कि भाई उन्हें भी फेम मिला है, उन्हें भी चर्चे मिले, मैं भी चल जाता हूं जस्ट बिकॉज वो जो कि सारे दौड़े, चलो मैं भी उस रेस में दौड़ लेता हूं वो सीन चक्कर में. एंड कहीं ना कहीं अनुराग को पता है एक रियलिटी चेक देनी पड़ेगी लोगों को जाकर, किसी एक को जाकर ना अनुराग को एक रियलिटी चेक देनी पड़ेगी कि आप कहीं ना कहीं सलमान भाई या बिग बॉस तो अलग ही ब्रोसेना को अगर दे भी रहे तो अलग चीज है, बट तुम बींग द लीडर एंड बींग द रिप्रेजेंटेटर ऑफ दोस गैंग्स, यू शुड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट उनका सर ऊंचा करके आओ भाई. आप सिर्फ मजे मजे में चल गए हो बिग बॉस शो में, आप खिल्लियां उड़ा रहे हो अपनी, अपनी के साथ साथ उन लोगों की भी उड़ा रहे हो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आप समझ रहे हो मेरी सीन. आई स्टार्टेड वॉचिंग मैन, लाइक मैंने खुद क्लेम की थी कि भाई अपन अनुराग को और मुनावर को सपोर्ट करने वाले, अनुराग को ज्यादा करने वाले, जस्ट बिकॉज अनुराग के आई यूज्ड टू कवर मुनावर का. आप सबको पता है भाई मुनावर को मैं लॉकअप के टाइम से ये चीज कह रहा हूँ कि मुनावर हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ द, तो मैं 50-50 सपोर्ट करने वाला हूँ. बट अनुराग का गेम ना, अनुराग का गेम चल गया मुनावर के ऊपर कि अनुराग का द ओनली गेम इज मुनावर की बिचिंग करो, मुनावर की ये, मुनावर वो, मुनावर ये, मुनावर वो. अब मुनावर का ध्यान है सिर्फ ट्रॉफी पे, वो समझ रहे हो वो सीन क्या हो रहा है. तो अनुराग को कोई ना कोई जाके रियलिटी चेक दो कि आप ये जो ब्लेम गेम हर बार खेल रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल ऑडियंस को ना इरिटेट करता है एक टाइम पे. आप समझ रहे हो वो चीज. तो आई वुड श्योरली वॉन्ट कि अनुराग भाई तक ये मैसेज हमारी पहुंचे, एंड यू शुड स्टॉप दिस ब्लेम गेम शिट. वो अब इरिटेटिंग हो चुका है बेसिकली. एंड इन सबके बीच में जो मेरे को सबसे तगड़ा चीज लगा इज विकी भाई. आई हैव टू से भाई कि अगर कोई गेम में 100% दे रहा है अदर देन मुनावर, इज विकी भाई. इन सब के बीच में विकी भाई मेक श्योर कि उनका गेम खराब ना हो. वो क्या करते हैं, समर्थ को अपनी तरफ कर रहे हैं, अभिषेक को थोड़ी सी डिफेंड करके, एंड उसी टाइम पे सेम आयशा को भी अपनी तरफ लपेट रहे. एंड अगेन समर्थ यार कूल बंदा यार, आई वुड से समर्थ जाकर ये चीजें बता देता अभिषेक को जाकर. एंड अभिषेक उसे पता है कि इन सारे इंफॉर्मेशन के सोल्यूशन हमें कहां मिलेगी, मुनावर के पास. तो वो जाता है सीधा मुनावर के पास कि ऐसी ऐसी बातें भाई बता, अब क्या किया जाए सॉर्ट ऑफ वैसा. तो समझ रहे हो सीन तो है भाई. तो हमें वो देखने को मिलता है. एंड अगेन इन सारी चीजों के बाद इन सारी जो इंसिडेंट्स एंड ऑल हुए, इन सारी चीजों के बाद आता है द थर्ड फ्रीकिंग टास्क, दैट इज द प्रॉम्प्ट गेम. आई एम प्रीटी श्योर जो लोग जानते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को पता होगा प्रॉम्प्ट गेम क्या होता है. एंड यहां से मैं कुछ कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं आप सबके सामने
प्लीज ध्यान से सुनना एंड अग्री या डिसएग्री पे वो कमेंट सेक्शन में जोर से बता देना। एंड हमारा पॉइंट अच्छा लग रहा हो एक क्लिप, इस पॉइंट को क्लिप कर लेना, कुछ भी पॉइंट मेरा अच्छा लग रहा हो क्लिप करके आप ट्विटर नॉल पे भी डाल सकते हो। आई विल सॉली अप्रिशिएट नाउअडेज आई गेट अ टैग, लाइक मैं देख रहा हूं बहुत सारे टैग्स और आ रहे हैं, शुक्रिया सभी का। चलो लेट्स मूव इनटू द पॉइंट। प्रॉम्प्ट गेम की बात करें, आयशा लाइक बेसिकली चार लोगों को बुलाया गया, बेसिकली जिनको मैं बता दूं चार लोगों को बुलाया गया, सबको ये किया जा रहा है कि रिजेक्ट कर दो तीन को, किसी एक को एक्सेप्ट कर लो बेसिकली। एंड आयशा बींग वो टिपिकल उनका लव स्टोरी है, तो अगेन वी आर नो वन टू कन्फेस। एंड उसने अनुराग को रोस्ट करते करते ये कहा कि मैं अपने कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, अनुराग इज वन ऑफ दोस्त कि मेरे को और कन्फ्यूजन नहीं चाहिए अपनी जिंदगी पे। एंड इस पॉइंट पे भी अनुराग का बस एक रिएक्शन था, भाई ठीक है, लाइक ही वॉज जस्ट लाफिंग। अरे अनुराग भाई कुछ तो समझो दिमाग में कि वो क्या कर रहा है, लाइक वो टॉन्ट के तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो चीजें। एंड अगेन ठीक है, वो भी ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जब मनारा गई, देखो मनारा इज वेरी स्मार्ट, आई वुड से भाई मनारा इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर। वो लोग कहते हैं ना भाई डम्ब है क्यूट है नू सब चक्कर मत, बेटा तुम गलत चक्करों में पड़ रहे हो, वो तुम्हें बेचकर आ जाएगी मनारा। मैं कह रहा हूं, आई सेड दिस बहुत पहले ही, ये जो मनारा वाले लोग हैं भाई तुम लोग प्यारे हो, आई नो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, नो रीजन अगेन नो पर्सनल ग्रजेस, बट मैं चीज कह रहा हूं प्लीज एक हद तक ही उसको रखो बाहर में, वरना वो गंद मचेगा वो पिछले सीजन की तरह लॉकअप वाले सीट की तरह। प्लीज एक 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 हद तक ही रखेगा ना तो आपको भी खराब नहीं लगेगा, एंड बाहर से जब मुनावर एंड ये लोग देखेंगे आएंगे बाहर में तो भी बाहर के ऑडियंस को भी एक बहुत गलत इमेज नहीं देगा मुनावर की। अब क्या होता है, मनारा एक्सेप्ट मुनावर, बाकी तीनों को वो रिजेक्ट कर देती है, एक को फ्रेंड जोन करके, एक को जो भी आरआर करके, बेसिकली शी रिजेक्ट्स एवरीवन एंड एक्सेप्ट्स मुनावर। इस बीच में मुनावर के पीछे से दो तीन टॉन्ट्स आते हैं जो मैं खुद सुना था, एक तो भाभी बच्चा दिख रहा है बाहर, पता नहीं किसने बोला, किसी ने तो बोला आई एम नॉट ब्रिटिश और इसलिए मैं पॉइंट आउट लिख नहीं पाया, बट मैंने इस पॉइंट में ब्रैकेट में लिखी है वो चीज, भाभी एंड ऑल स्पैम लाइक पूरे पीछे से चर्चे नॉन चल रहे, विच क्लियरली सेड कि मुनावर अगेन सबको कहीं ना कहीं पता कि मुनावर हैज अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, एंड मुनावर ने ये चीज कन्फेस भी कर दी मनारा को। बट मैं इस टास्क को लास्ट में बात करने वाला हूं, ये जो टास्क है ना इसके बारे में मैं हल्का सा लास्ट में बात करने वाला हूं। मनारा पिछले दो हफ्ते से चुम्मा चाटियों पर चल रहा है अभिषेक के साथ, ये वो, इनका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं, एंड फिर आप रो रहे हो साइड मारा करे, एंड फिर आप उसे ही भाव दे रहे हो, खानजादे रिजेक्ट करते हुए भी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में और ज्यादा उसको दबा के एंड उसके सामने एक नया इमेज बना कर कि भाई मेरी चल रही थी उसके साथ है नहीं हो। तुम कहीं ना कहीं ब्रो मनारा बनो, खानजादे क्लियरली नोज कि मेरा गेम शुरू के दो तीन एपिसोड में लड़ाइयों की वजह से चला, आखिरी के दो तीन एपिसोड में मेरे चल रहा है जस्ट बिकॉज अभिषेक गिव्स आउट अ भाव एंड उस वाले जोन में लेकर जाता है वो, तो मेरे को अच्छा सा एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एंड अब क्योंकि अभिषेक ने उसे एक्सपोज कर दिया तो मेरे को वो रोना गेम खेलना पड़ रहा है, क्योंकि अगेन एक साइड हमें खानजादे का दिख रहा है शी इज वेरी इमोशनल एंड शी इज वेरी हर्टेड विद दोज एक्शंस ऑफ अभिषेक ऑन दैट पोकर वाला गेम वाला सीन, फिर एक साइड हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक तो जो बंदा तुम्हें सपोर्ट कर रहा है उसी की लंका लगा रहे हो, दोगला एंड ऑल बोल रहे हो लाइक सीरियसली, एंड फिर रूम में अनुराग के सामने अब तुम बोल रहे हो एक रैप, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे रैप गेम वाले शिट में भी कि कैसे चांटे लगाए जाते हैं ब्रो, मुनावर ने जो चांटे लगाए ना ब्रो, आई गेट इन टू दैट पॉइंट लेटर ऑन, मैं उस पॉइंट को लिख के रखा हूं। अभी हम लोग जिस पॉइंट पे उस पे रहते हैं, फिर आता है सना का नंबर, सना अगेन ऑल्सो अप्रूव्स मुनावर फॉर दैट, जिसमें मनारा का शक्लें बन जाती है ब्रो। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया बट मनारा की शक्लें बनने लग गई, लाइक चिड़ना एंड वो लाइक कि बेटा तू उससे दूर रहे सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ। ये पॉइंट मैं इसीलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट को मैं लास्ट में बहुत अच्छी तरह से केयर आउट करने वाला हूं, इसलिए मैं कुछ पंच पॉइंट्स आपको अभी के लिए छोड़ रहा हूं, बस इसे याद रखना। अब आते हैं पिट गेम में, गधों के लाइक होते ना गधे, कभी कभी खुद बता देते कि मैं गधा हूं, ठीक है बताता हूं कैसे। पिट गेम स्टार्ट होता है, अंकिता जी अपना उठाती है, फिर आयशा अपना लाइक सारे अपने अपने उठाने लग जाते हैं। उस बीच में मुनावर भाई को चांस मिलती है उठाने की कि तुम पिट में किसको ढकेलना चाहते हो, तो मुनावर भाई अनुराग को उठाते हुए बिकॉज अगेन बेसिकली गेम था कि जिसको क्लूलेस हु इज क्लूलेस अबाउट द गेम, जिसको जीरो नॉलेज अबाउट द गेम, तो मुनावर अनुराग को उठाते हुए ग्रेट फकिंग पॉइंट कि अनुराग का एक कहना था कि मैं पत्ते छुपा के रखा हूं डेक के बड़े को नहीं दिख रहे यार, शायद मैं मुनावर की आंखों से देख रहा हूं शायद इसीलिए हमें नहीं दिख रहे हो, ये भी मेरे को पता नहीं था। जो भी मुनावर की छोड़ के बाकी हो के फैंस है
आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे फैंस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के फैंस हमें देख रहे होंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप अपने चश्मे से जरा सा देख के बताना कि अनुराग यहाँ पे किस पत्ते की बात कर रहा है, लाइक कौन से पत्ते उसने शो कर दिए। ये पत्ता कि आप डिफेम कर रहे हो मुनावर को जस्ट बिकॉज शेइंग शिट अबाउट लॉकअप सीजन वन की बातें, एंड उस गधे को इतना नहीं पता ब्रो कि जिस 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 बंदी की तू बात कर रहा है ब्रो, शी वॉज नेवर अ नाबालिग नाबालिग गर्ल, शी जस्ट क्लेम टू बी अ नाबालिग गर्ल ऑन दिस सीजन बिकॉज शी हरसेल्फ क्लेम दैट शी इज 23 ऑन 3rd November। ये मैं एक आर्टिकल के पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अंजलि अरोरा जस्ट कन्फर्म्ड शी वॉज, अभी 3 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 3 नवंबर 2023 में उनका एक स्टेटमेंट था दैट शी इज 23 नाउ, 2022 की वो शो है। हाउ द फक शी इज 18 से, आपको जब गेम दिखाने बोली जाए, पत्ते दिखाने बोले जाए, तब एक ही गेम है मुनावर के बारे में, 4 चुगलियां करो मनारा से, 4 चुगलियां करो, ये करो वो करो, लास्ट में वो जब गेम दिखाने के बारे आ जाए, एक रिजेक्ट गेम आ जाए, तो आप मनस्वी की तरह सीधा टॉप पे चले जाओ, पूरा एकदम चर्चे एंड ऑल हुए। बट एक अच्छा पॉइंट तो दो मेरे भाई, मैं खुद चाहता हूं कि चलो मुनावर को आप कर रहे हो कर दो, नो कोई बड़ा एकदम डील नहीं होगा कि आप शो से बाहर हो गए कि मुनावर शो से बाहर, नहीं रिजेक्शन किया ठीक है, एक थोड़ा अच्छा पॉइंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई कि मुनावर ने जब तुम्हें वो क्या बोलते हैं आपको वो कार्ड वाला चीजें बताई, कार्ड वाले पे एक टॉन्ट मारा एंड कितना अच्छा पॉइंट उसने दिया, तो आप भी तो एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट एक अच्छा पॉइंट तो दो कि हमें भी एज अ लाइक एज अ व्यूअर अच्छा पॉइंट लगे, हाँ मुनावर को उसने किया बट बहुत सही पॉइंट बोला। इसी जगह पे जैसे आपको तहलका, मुनावर ने तहलका को नॉमिनेट किया, रिजेक्ट किया, अब तहलका ने कितना अच्छे तरीके से उसे एक रिप्लाई दी अपने नाइजीरियन भाषा में, उसने कुछ एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, यहाँ पे मैंने नोट नोट डाउन करके रखा है। अब देखो तहलका भाई ने कितने अच्छे तरीके से रिप्लाई भी दे दिया एंड मजे भी हो गए, 4 लोगों ने हंस भी दिया। अब यहां पर मैं सेम एक्सपेक्ट करता अनुराग से, अरे अनुराग भाई एक अच्छा पॉइंट तो दो कि हाँ ये चीज हुआ, मैं इसके इस पॉइंट के लिए ये करता हूं, वो पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, हमें तो बस अंजलि अरोरा की बातें कर रही है कि वो तो 18 साल की नाबालिग किए थी, वो थी अपना ये करा था, वो कहता है मनारा समहाउ अगेन ये टिपिकल लॉकअप चालू कर दिया है, लाइक ये टिपिकल लॉकअप चालू हो चुका है भाई, आई कैन से दिस भाई, मैं मुनावर को भी ये चीज कह रहा था यार स्टार्टिंग से, लाइक मुनावर तक ये मैसेज प्लीज पहुंचा दो भाई कैसे भी करके, साला एपिसोड चालू होते होते ही मैंने ये चीज कही थी, ये कहीं ना कहीं ये वापस उसी गंध पे जाने वाला है चीजें, ये जो मुनारा मुनारा वाली चल रही है ना चीजें, ये वापस वो मुंजलि वाली शीट पे जाने वाली ये चीजें, एंड अगेन वही हो रहा है, अगेन मुनारा को वो कन्फेस करना नहीं चाहती बट हमें कहीं ना कहीं फील हो रहा है मनारा इज स्लिपिंग इन टू हिज जोन, लव वाला जोन, बिकॉज अगेन मनारा इज वन ऑफ दो जिसने वो चीज पूछी कि मुनावर तेरी वो बाहर में क्या नाम है, क्या प्रोफेशन है, नॉट दोज बुलशिट, एंड मुनावर सीधा रिजेक्ट करते हुए कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा एंड ऑल दैट। तो अगेन मनारा को कहीं ना कहीं पता थी, मुनावर ने कहीं ना कहीं उसे क्लेम कर दी थी कि शी हैज ही हैज अ गर्लफ्रेंड हैज अ सन उन सब चीजों के बारे में, बट अगेन ये वापस से लॉकअप वाली चीजें रिपीट ना हो भाई, प्लीज मेक श्योर करो कि यार ये लॉकअप वाली चीज रिपीट ना हो। एंड इन सब के बीच में द लास्ट टॉपिक जो मैं खुद बात करने वाला हूं खानजादी के बारे में, खानजादी को कहा गया कि आप एक रैप करके दिखाओ, हमारी मम्मी जी का एक मैसेज है, उन 4 में से किसी एक ने कहा कि मेरी मम्मी जी का एक रिक्वेस्ट है कि आप ये करके दिखाओ, थोड़ा सा रैप एंड ऑल करके दिखाओ। खानजादी ने रैप तो अच्छा शुरू किया बट गलती उसने ये कर दी, उसने गलत बंदे से शुरू कर दी रैप, आप समझ रहे हो, आप पटाखे तो बेचने निकले हो बट आपने पटाखे उसके सामने ही दुकान लगा दी, जिस दुकान से जिस फैक्ट्री से आप खरीद के वो खुद माल ला रहे हो, आप समझ रहे हो सीन क्या हुआ यहां पे। खानजादी ने एक दो लाइन बोली एंड मुनावर जस्ट ओन्ड, उसने ऐसे कर दी लाइक ही जस्ट बोलता ना कि यार बच्चे 4-5 बज रहे हटो, होता ना कि हट ऐसा लेजिट ही जस्ट हट 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 ऐसा। मुनावर ने कही कि धूल की बात मेरे मत कर, तेरे को मैं रख लूंगा काम पे, एंड उसने एक बहुत अच्छा रेफरेंस यूज किया एमपीटी से, जो लोग बिग बॉस की ज्यादा ऑडियंस है उन्होंने शायद डिकोड नहीं कर पाया, वो मैं बता दूं कि लाइक बेसिकली उसने एक वर्ड लाइक वो प्रॉपर लाइन में लिख नहीं पाया, मैंने एक वर्ड लिख रखी बेसिकली, तो मुन्ना वर तो उसने एक लास्ट में चीज कही थी कि वॉर निकाल दो मेरे नाम से, बेसिकली लोग होता ना कि मैं जाम से भी ट्रॉफी लेकर जाऊंगा एंड मैं सिपाही हूं मैं वॉर, ऐसे कुछ उसने बोला
तो बेसिकली ही क्लेम्ड दैट कि मुन्ना वर वर लास्ट में वॉर है ना बेसिकली, तो उसने वो हटा दो दैट मुन्ना इज लिविंग, ऐसे कुछ उसने एक वर्ड प्ले किया था, दैट वॉज नाइस आई वुड से. एंड अगेन ही इज वेरी क्लियर ब्रो, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी क्लियर कि ट्रॉफी तो साला डोंगरी में ला के रहूंगा. ही इज वेरी क्लियर. एंड स्टैन ने भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया वो चीज को. एंड स्टैन को उसने पूछा भी कि ट्रॉफी तो लानी है शिट एंड ऑल, तो वही कह रहा था वो कि यार थोड़ी हार्ड है बट आएगी ट्रॉफी डोंगरी में. तो लेट्स सी हाउ डज दिस ऑल टर्न्स आउट. एंड एपिसोड का खत्म होते होते भी हमें खानजादी और अनुराग बैक बिचिंग करते हुए ही दिख रहे मुनावर के कि मैंने उसे दोगरा बोल के भून दिया. तो पूरा रैंटिंग एंड चालू करके भी गेम लास्ट में आकर मुनावर 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 इज द होल फ्रिकिंग गेम ऑफ अनुराग एंड खानजादी. दैट वॉज अ होल डिकोड शिट. कमेंट्स में मेरे को बताना कि आप सब एग्री करते हो कि नहीं. रियली सॉरी अगर मैंने कुछ इस रॉनेस में कुछ अगर ऐसे कुछ वर्ड्स बोल दिए हो या फिर कुछ ऐसी चीजें बोल दी होंगी जो आपको थोड़ी सी ऑफेंड करे हो, रियली सॉरी फॉर दैट. क्योंकि मैं रियल होने वाला था, मैं रॉ होने वाला था, उस दौरान मैंने फ्लो फ्लो पे अगर कुछ शब्द बोल दी होंगी जो शायद मैं एडिट करके नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं शायद मेरे को नहीं मिल पाएंगे वो, तो रियली सॉरी फॉर दैट टू ईच सिंगल फैन बेस. बाकी मजे करते हैं, इट्स बेटर कि आप अपने गेम खेलो, मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर सब साथ में खेलेंगे तो मजा आएगा फर्स्ट. बाकी मिलते हैं कि सब वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी.